नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसनगर क्षेत्र के मुकलावा राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के अंदर चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी के गठन के लिए बैठक आयोजन किया गया, जिसमें गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। 7 सदस्य कमेटी का गठन करना था, लेकिन बामाशाह नहीं मिलने की वजह से नहीं किया गया। गठन राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के लिए न्यूनतम 1,00,000 रुपये दान देने वाले व्यक्ति को सदस्य बनाए जाने का प्रावधान है, परंतु कोई बामाशाह नहीं मिला। इस बैठक के अंदर सरपंच प्रतिनिधि इंद्रदेव गोदारा, जन्मेश्वर गौशाला अध्यक्ष कृष्ण कड़वासरा आदि ने लिया भाग। इस कमेटी के गठन के संबंध में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर फिलहाल कोई मेंबरों के बारे में कोई बात डिसाइड नहीं की गई, क्योंकि उसके अंदर राज्य सरकार के आदेश अनुसार जो राशि थी वो राशि काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इसके ऊपर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। आगामी बैठक के अंदर इस संबंध में विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा और इस संबंध में लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बामाशाह लोग इस कमेटी से जुड़े और इस कमेटी में सहयोग कर सकें, जिससे ये कमेटी अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सके। आज मीटिंग हुई, जिसमें मेन पॉइंट ये रहा कि यहाँ कोई हॉस्पिटल के इंचार्ज लगभग 1.5 साल से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ अपॉइंटमेंट किया जाए ताकि सारे गांव जो है उसको इसकी सुविधा मिल सके। और जो कमेटी के अंदर सदस्यता शुल्क के रूप में 1,00,000 का लिखा गया है, ये वास्तव में असंगत है। 1,00,000 रुपया हर एक आदमी के देने की बस की बात नहीं है। या तो इसको ऐसा किया जाए कि सारे गांव से इकट्ठा करके कोई 1,00,000 रुपया जमा करवाया जाए और कमेटी बना दी जाए, इस प्रकार का कोई विचार विमर्श किया। चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी के गठन के संबंधित में आज 12/6/2021 को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनमांड ग्राम पंचायत मुकलाव के सरपंच साहब और गौशाला अध्यक्ष श्री कृष्ण जी और गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया।